बोलो मैं आज पिज्जा खाने आया हूँ। बोलो आज पिज्जा खाने है ना? ए बुकड़ क्या कर रहे हो? पालक पनीर। ओहो रोए क्या? क्यों रो? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल चित्रू 25 पर। तो दोस्तों आज 20-25 दिन हो गए हैं चित्रू हमसे अलग है, बाड़मेर अपने बुआ के पास है। तो आज हमको उसको है जो फाइनल लाने जा रहे हैं। और चित्रू की मम्मी दो दिन से जिद करके बैठी है कि कैसे भी करो मेरे बेटे को वापस लाओ, लाने के लिए चलते हैं। तो आज हमें जो चित्रू को लाने के लिए जा रहे हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि चित्रू की मम्मी कैसे जिद करके बैठी दो दिन से है जो खाना भी नहीं खाया। और आज तो अचानक रोने लगी कि मेरे को मेरे बेटे के पास जाना है, मेरा चित्रू चाहिए। तो आज हम फाइनली चित्रू को लाने के लिए जा रहे हैं और आप ये वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि हम जब चित्रू के पास बाड़मेर पहुंचते हैं तो वो कैसा रिएक्शन देता है, उसके हाव भाव कैसे हैं और वो हमसे मिलके कितना खुश होता है। तो आप लगातार इस व्लॉग में हमारे साथ बने रहिए। क्या हुआ मोड़ी मोड़ क्यों बैठी? मन बाऊ जो इजे चित्रू। अच्छा चित्रू ले आना आला? हां पक्की हमारे आला तो मैं चित्रू वीडियो देखूं। आ जा लो। अच्छा चित्रू वीडियो देखे। चलो ठीक है, अगर आज कैंसिल करो तो 20 दिन हो यार, मैं केड़ो कैंसिल करना। ओ भड़क गई। तो चलो तुम फटाफट तैयार हो जाओ, अपन अभी चलते हैं, एक घंटे के अंदर अंदर यहाँ से निकलते हैं। ठीक है? पक्का रेडी? चलो तैयार हूं। तो अभी हम फाइनली घर से निकल गए हैं और एक घंटा और लगेगा बाड़मेर पहुंचने में। ऑन द वे हैं अभी और देखते हैं वहां जाने के बाद चित्रू है जो क्या कर रहा है। हम वैसे ऑलरेडी पहले से ही चुपके से ही जा रहे। क्या कर रहा है रे? बोरिया को चित्रू कह जो पीलू खा। अच्छा पीलू खा। हां अपने खेत में तेड़ बोरी है ही कोनी। अपने खेत में ओल्डी है कोन बोरी होवे के तू? अच्छा ए देखो केड़ा हाकर बोरिया लागुड़ा, पाकुड़ा कम है, पाकुड़िया मैंने ले गया है, आड़ा घना है। थोड़ी देर हमने रास्ते में एक अच्छी सी बेर का पेड़ आया तो वहाँ पर बेर खाए और अभी हम वापस निकल गए हैं। तो बहुत ही कम समय में है जो बाड़मेर पहुँचने वाले हैं और चित्रू को बिल्कुल पता नहीं है आज कि हम आ रहे हैं, क्योंकि उसको हमने बोला हम 4-5 दिन बाद आएंगे तो अचानक से हम वहाँ जाएंगे। तो देखते हैं उसके हाव भाव कैसा होता, कैसा उसका रिएक्शन रहता है। तो अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं चित्रू के बुआ के घर। तो देखते हैं चित्रू क्या कर रहा है, हम आवाज़ लगाते हैं। चित्रू बात
रोए क्या? क्यों रो? अब अच्छा लग रहा भाऊ? मजा आ रहा? ढाई लाख तो है ऑलरेडी इसके, देखते हैं अब आगे कितने होते हैं। क्या कर रहे हो? भैया ये अभी क्या लगा रहे हो? स्प्रे। कौन सा? वो सीरम? दूसरा स्प्रे। अच्छा चित्रू कैसा महसूस हो रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है? अच्छा तो तू पहले रो रहा था कि मैं बाल नहीं कटाऊंगा। अरे पहले तू नाटक कर रहा था, अब देखिए कितना आराम से बैठा। और पहले तो रो रहा था बगरू। हाँ आँख में बाल जाते रहे। तो दोस्तों ये है आरजे 04 हेयर सैलून। तो दोस्तों देखो कितनो खुश है चित्रू। 20-25 दिन बाद बाड़मेर में अटही गमू कने हो। और आज बाड़मेर आया तो मैंने स्पेशली अड़ी करी के पापा मेरे पीजो खाना पिज्जा पार्टी करो जन्ना लेन आया हूँ अटही ने। और पीजो इन्हें जिमाना ही पड़ी, अगर पीजो नहीं जिमाया तो बहुत इज्जत करेला और काले मोरबड़ो गाँव नहीं हालेला। तो बेटा तैं की ऑर्डर करियो? ऑर्डर की तू हम जिम की और क्या खाएगा बोल? केक। और बलून लेना? अच्छा तो इसकी मांग तो काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट की है, लेकिन इतना तो जो यहाँ पर इसकी हर मांग पूरी नहीं होगी। पिज़्ज़ा खिलाएंगे और ज़्यादा भूखा है तो खाना ना खिला देंगे, केक खिला देंगे, यहाँ तक ही हो पाएगा। तो आप लगातार वीडियो में बने रहिए और देखते हैं ये कैसी कैसी हरकतें करता है, कैसे पिज़्ज़ा खाता है। हमें तो अभी तक पिज़्ज़ा हमने देखा भी नहीं है, हम तो इतने बड़े हो गए, लेकिन ये अभी 3 साल का ये नबी से पिज़्ज़े की है जो जिद करके बैठा है। तुझे पिज़्ज़ा खिलाना किसने सिखाया? मम्मा कहाँ पिज़्ज़ा सिखाती है? मम्मा ने कभी पिज़्ज़ा खाया ही नहीं है। खाया। कहाँ पर खाया? अटे, अटे हेडरूम में। अटे? अटे। पक्की? हाँ। अच्छा। हाँ, पक्की। और तू पिछले कितने दिनों से स्कूल जा रहा है? 9 महीने। यहाँ? 2 महीने। अच्छा 2 महीने से? हाँ। स्कूल कैसी लगी तेरे को? मस्त लगी। स्कूल में कौन थे? टापर? हाँ। बेटा टापर नहीं कह रहा, बच्चे कह रहा। टापर कही? हाँ। चलो कोई बात नहीं, तुम कह कोई रेडी है। अच्छा कितने टापर थे वहाँ पर? हाँ, दो। दो या? तो भाई थे फर्जी स्कूल चलाओ, दो टापर थे स्कूल पढ़ाओ, हाँ तो गलत बात है। फिर तू बच्चों को पीटता था या बच्चे तुझे पीटते थे? अच्छा चित्रू कह गया हूँ एक टापर ने पीट तो बस वो पास मैंने पीट तो मतलब हदला बदली खेलता है। बहुत अच्छी बात है। तो इन जो हकीकत ही जगह होना थी हमें रियल में तो हमें पीट तो इन टावर पीट था बहुत, हमें देखो फर्स्ट टावर। अब मैं ना मेरी स्कूल तेरे को नहीं लेके जाऊंगी। क्यों ले जाऊं? रुक। तो चलो अभी देखते हैं कि गमू को पूछते हैं, इतने दिन से चित्रू इसके पास था, इसको कैसा मतलब अनुभव हुआ और इसको मतलब तकलीफ हुई या इसको रखने में अच्छा लगा? तो बोलिए आपको कैसा अनुभव हो रहा है आज इतने दिनों बाद आप लोगों को मिलके? जो तकलीफ हो रही थी वो शुरुआत में 2 दिन हुई थी मुझे। अच्छा। और अब लास्ट 4 दिन से जैसे हमारे सब सेट हुआ था अब आप लोग आ गए। अच्छा। अब हम नहीं चाह रहे थे कि आप लोग आओ। कुल मिला के आपको ऐसा लगा जैसे कि अभी हम नहीं आए तो ठीक रहेगा? हाथ में रखो। अब लास्ट है ना 2-3 दिन से हम चाह रहे थे, तुम लोगों ने कहा था ना मारे, तो उनका अब नहीं आए तो ठीक है। अब इसको भी हमने बोला तेरे को अब घर भेज देंगे ना भाऊ, पहुंचे जा। और जब से हम शाम को आए हैं 5 बजे या 4 बजे उसके बाद है जो हम दोनों को पकड़े बैठा है, इसको मतलब ऐसा एहसास हो रहा है कि जैसे कि हम इसको छोड़ के कहीं चले नहीं जाए वापस। और हर बात पे यही बात कह रहा है कि मम्मा पापा साथ लेके जाना, साथ लेके जाना, दोबारा भाऊ को इधर छोड़ना मत। आज लक्ष्मी बड़ी परेशान है कि आज वही क्यों कर रहे और आज ये बहुत ही ज्यादा जिद भी कर रहा है हर बात की। नफरत
फोटो ले रहा हूँ।